हाई गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी एज वेल एज़ फैशन हॉल यस इसके अंदर मैंने मेकअप की चीज़ें मंगवाई हैं एंड स्पेशली मेकअप ब्रशेज़ जो आप इतने ज़्यादा पूछते हैं वो भी मैंने पिक करी हैं एंड साथ में मैं आउटफिट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कुर्ता सेट्स हैं ड्रेस है सो so, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच मोर कंटेंट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले मैं आपके साथ मेकअप शेयर करती हूँ मेकअप में मैंने पर्पल से मेकअप मंगवाया है बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने पर्पल से चीज़ें मंगवाई एक्चुअली पता क्या मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप उठा के देंगे मत देगा वैसे तो पता नहीं कैसी बनी थी ठीक है उसके अंदर मैंने ना ज़्यादातर चीज़ें स्किन केयर हेयर केयर ये सब शेयर किया था वो सारे मैंने पर्पल से मंगवाए थे बट वो फ़र्स्ट वीडियो और उसके बाद अब मैंने मेकअप की चीज़ें मंगवाई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ठीक है तो यहाँ पर पहले तो ये इस तरह के यू नो बॉक्स में आ गया था मुझे सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी एंड uh, इस तरह के अलग अलग कार्टनस थे और ये बबल पैक थे ताकि प्रॉपरली सिक्योर आपके पास पहुँच जाए इंटैक्ट ठीक है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये प्राइमर सो so, प्राइमर चाहिए था मुझे तो मैंने लिया है ये पर्पल का ट्रू ज्वेल 24 के गोल्ड प्राइमर 20 एम के अंदर आता है मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुकी हूँ आज भी मैंने इसे यूज़ किया है और ये ना काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल भी ड्राइंग फॉर्मूला नहीं लगेगा साथ में पोर फिलिंग है तो जितने भी पोर्स वगैरह हैं नोज़ के अराउंड या फिर इस एरिया में होते हैं मेरे तो वहाँ पर ये उसको फिल कर देता है ताकि जो आपका बेस मेकअप है फाउंडेशन है वो अच्छे से फ्लॉलेस हो यानी कि उन पोर्स के अंदर डिपॉजिट ना हो तो इस तरह का ये प्राइमर आ, मैंने लिया है और मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा ठीक है इसके बाद अच्छा मैंने लिया है कंसीलर सिंस यू हाई स्नो मुझे मिलाजमा है तो मुझे लगा कि मैं कंसील करके देखती हूँ कि किस तरीके से वो काम करता है फिर तो मैंने लिया है ये पर्पल का कोवर्ट ऑपरेशनल गाइडेंस कंसीलर पैलेट इसका है कोड है आई थिंक एजेंट एंड एंड इसके अंदर आपका जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है लाइक डार्कनेस होती है जो डार्क सर्कल्स हो गए ए स्पॉर्ट्स हो गए या फिर रेडनेस वगैरह है सबको कंसील करने के लिए आपकी अलग अलग चीज़ें हैं और आपके कलर टोन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग शेड्स है डार्कर डीप टोन के लिए देन इस तरह का ये लाइट एंड डार्क मैंने ये वाला यूज़ किया था एंड येस yes, काफ़ी हद तक काम करता है ये एक्चुअली आई एम नॉट दैट प्रो मुझे अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं आई हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कंसीलर यूज़ कर रही थी बट इसके जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और ब्लेंडेबल है तो मैं अगर इसका आपको ना ये देखो स्वॉच अगर मैं दिखाऊँ तो इतना सॉफ्ट है बटरी सॉफ्ट है सो यू कैन सी इस तरह का आता है इसको अच्छे से ब्लैंड करेंगे ना तो ये प्रॉपरली ब्लैंड हो जाता है और आपका जो डार्कनेस है ना उसको यानी अंडर आइज़ के पास हो गया मिलाजमा वगैरह को तो उसको ये करेक्ट करने में काफ़ी काम देगा सो so ये मैंने लिया है इसके बाद जो नेक्स्ट है ये मैं आपको दिखाती हूँ ये लिपस्टिक ओ oh माय गॉड ये लिपस्टिक तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई मैं बताती हूँ कौन सी है ये पर्पल की ब्राउन शेड के अंदर है बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर मुझे लगता था कि मेरे पे डार्क टोन्स अच्छे नहीं लगते डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते बट इसे ट्राई करने के बाद ना मैं बोलूंगी कि नहीं अच्छे लगते हैं मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूं बहुत प्यारा वाला ब्राउन है और साथ में क्या है आपके ना इतना अच्छे से ग्लाइड करता है ये अगर लगाओगे ना तो मतलब वेलवेट जैसा टच है इसका और इसका नाम भी एक्चुअली वही है वेलवेटी लिपस्टिक जैसे इसे लगाते हैं तो बहुत क्रीमी रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये बिल्कुल मैट हो जाता है एंड क्रे केकी नहीं होता क्रैक नहीं होता ज़्यादातर क्या होते हैं कि आ, केकी हो जाती हैं लिपस्टिक्स ना मैट जो होती हैं बट ये ऐसी नहीं है और साथ में ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती क्योंकि एक बार ये सेट हो गई तो फिर पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग रहती है सो so, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है टेक्स्चर बहुत अच्छा है और स्पेशली कलर बहुत सुंदर है जो विंटर्स है ना उसके अंदर इस तरह के डार्क टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं स्वॉच मैंने आपको दिखाया कितना सुंदर है ब्राउन कलर इसके बाद मैंने लिया है हाइलाइटर ठीक है ये डूएल हाइलाइटर है टू मच डूल हाइलाइटर ग्लोइंग मच वन इसका कोड होगा एंड यू कैन सी दोनों तरफ से ये इस तरीके से खुल जाता है सो so, ये तो लाइटर शेड के लिए मेरे स्किन के ऊपर ये अच्छे से जाता है सो so, इसका भी मैं आपको दिखाऊं इस तरह से इसे फिंगर पे लगा के आप अच्छे से ब्लेंड करें सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही सॉफ्ट है मतलब स्प्रेड uh, अच्छे से हो जाएगा ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा क्योंकि क्यों क्यों क्रीमी है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको एक तो मैं वॉश में ही ना देख सकते हैं आप इसका कितना अच्छे से एक तो एप्लीकेशन कितनी बढ़िया ना लगते ही और कितना अच्छे से ये हाईलाइट हुआ है इसके बाद ना दूसरी तरफ है इसके अंदर डार्क टोन है ये एंड आई थिंक जब ना आपका मतलब मेरे स्किन के ऊपर तो ये एज अ हाइलाइटर नहीं जाएगा पर जो डार्क स्किन टोन है उसके ऊपर ये हाइलाइटर की तरह जाएगा लेकिन इसे ब्रॉन्जर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है यू कैन सी बहुत ही अच्छे से ग्लाइड करता है तो बहुत ही स्मूथ है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये एंड या uh, yeah, आप भी ट्राई कर सकते हैं हाइलाइटर तो यू you नो know, अच्छे ही लगते हैं अगर कुछ भी नहीं कर रखा हो हाईलाइट कर लो आप नाइट पार्टी में कहीं पर भी जा रहे हो किसी वेडिंग फंक्शन में सो so, हल्का सा हाईलाइट कर लो तो भी काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है इसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन फ़ाउंडेशन में है ये पर्पल का कैफ़ीन कॉम्रेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन ये भी ट्वेंटी एम एल का है एंड इसके अंदर जोजोबा ऑयल भी है तो काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया है मैं अभी आपके सामने ही इसको देखती हूँ सो so, मैं नए नए फाउंडेशन ट्राई करने का सोच रही हूँ ताकि यू you नो know, होता है एक ही चीज़ें करके फिर लगता है कि थोड़ा और ट्राई करते हैं क्या पता कोई और बेहतर अच्छा मिल जाए सो so, इस तरह का है ये यू कैन सी इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ इसका शेड है ज़ीरो थ्री सो so या yeah, मेरे स्किन टोन पे ये अच्छे से जाएगा यू कैन सी इस तरह का है प्रॉपर इसकी अच्छे से ब्लैंडिंग हो जाएगी एंड uh, क्या है ना कि थोड़ा सा मीडियम टू फुल कवरेज है इसको बिल्ड कर सकते हैं सो so, इस तरह से ये है सो so, मैं ट्राई करूँगी इसको और आपके साथ शेयर करूँगी सो so, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने मेकअप की चीज़ें मंगवाई है पर्पल से सो so, आप लोग भी ये वाले प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं लिंक मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो क्योंकि अभी ना सेल भी चल रही है पर्पल -पर पे मैंने भी सेल में ही मंगवाया है तो बैंड बाजा ब्यूटी सेल है जो 21 से लेके 28 तक थी तो अभी तो टाइम है तो आप चेकआउट कर सकते हैं फिफ्टी तक का आपको ऑफ मिल जाएगा ज़्यादातर चीज़ों पर एंड हाँ सेवन से ऊपर का अगर शॉप करते हैं तो एक कोड है मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तो उससे भी आपको ना फिफ्टीन तक का और मैक्सिमम हंड्रेड का ऑफ मिल जाएगा तो काफ़ी अफोर्ड अफोर्डेबल है पहले ही और फिर इतना ऑफ़ मिलने के बाद और भी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है तो भाई अगर किसी को भी मेकअप किट प्रिपेयर करनी है और येस वेडिंग सीजन के लिए भी आने वाले टाइम पर कुछ भी चीज़ें आपको किसी भी शादी में फंक्शन में जाना है तैयार होना तो इन सब को ट्राई कर सकते हो आप इसके बाद मैंने ना एक कफ्स एंड लेशेज से मंगवाई हैं ये मेकअप ब्रशेस ये तीन फेस ब्रश आती हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये वाली ना है आपकी बिग पाउडर ब्रश <laughs> सच में बहुत बिग है यार एंड काफ़ी सॉफ्ट है तो पाउडर के लिए ना थोड़ी फ्लफी और सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए और मेरे पास सच में इतनी सॉफ्ट कोई भी ब्रश नहीं थी uh, तो येस yes, बहुत अच्छा लगेगा इसे यूज़ करने में बिल्कुल यूज़ नहीं की मैंने एक बार निकाल के देख के और दोबारा से पैक कर दिया एक्चुअली इसके अंदर क्या है यहाँ पर आपको मैंशन करा हुआ भी मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे नंबर लिखा और किस चीज़ के लिए है वो भी पता चल जाएगा देन उसके बाद ये कॉन्टोर ब्रश है थोड़ी सी एंगुलर है अगेन इसके बाद ये है स्टिपलिंग uh, ब्रश है स्टिपलिंग ब्रश आई थिंक उसके लिए होती है फाउंडेशन के लिए सो इस तरह की ये भी काफ़ी अच्छी ये थोड़ी सी स्टिफ होती है ताकि अच्छे से ब्लैंड हो जाए ना आपका फाउंडेशन तो ये होगी तीन फेस की एक्चुअली मुझे इसके अंदर लगता है उन्हें एक और ऐड करनी चाहिए थी जो हाइलाइटर की होती है ना फैन ब्रश वो इसके अंदर नहीं है तो वो मुझे अलग से मंगवानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास अलग है भी नहीं कोई स्पेयर भी ठीक है तो ये तीन हो गई उसके बाद ये आई ब्रशेज़ हैं आई ब्रशेज़ हैं दो दो चार दो छः दो आठ नाइन यू नो इसके अंदर हैं जो मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ना एक वो इस तरह की मैं देखना चाह रही थी कि मुझे किस तरह की चाहिए क्योंकि क्या होता है आप आईलाइनर ना लगाओ सिर्फ काजल लगा लो और उसी से विंग अगर क्रिएट करो तो इस तरह की फ्लैट ब्रश चाहिए थोड़ी सी जो स्टिफ़ होती है ना सो so, ये इसके अंदर मिल गई साथ में इतनी सारी ब्रशेस तो हैं ही बहुत ही तरह की ब्लेंडिंग है इसके अंदर यू कैन सी कि छोटी एंगुलर ब्रश भी है इसके अंदर अब मैं खोल के क्या दिखाऊंगी? कभी मैं मेकअप लुक क्रिएट करूंगी ना और आपके साथ शेयर करूंगी। उसी टाइम पे मैं सारी की सारी यूज़ करूंगी। तो फिर आपको रिव्यू भी मिल जाएगा ये हो गया इसके बाद हम आते हैं अपने आउटफिट्स पे, ठीक है बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो मैंने इन दोनों पोर्शन में इतना टाइम ले लिया चलो अब जल्दी से देख लेते हैं हम चार हैं ये चारों और रेस्ट और हैं काफ़ी टाइम से यू you नो know, मेरे पास आए हुए थे ये एंड मुझे लगा चलो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कुछ तो मैं पहन भी चुकी हूँ वीडियो की इंट्रो के अंदर तो आपको देखे भी होंगे बट येस अब आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप चेकआउट कर लेना तो सबसे पहले है ये एक कुर्ता सेट है बिल्कुल यू नो you know, इस तरह का है मरून कलर का तो शादी ब्याह में तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है एंड जो स्टफ है इसका वो है रेन काफ़ी सॉफ्ट कॉटन मटेरियल के अंदर है स्ट्रीट कुर्ता है पोल का डोट बने हुए हैं जो कि है फॉल प्रिंट से एंड देन गले के ऊपर ये लेस लगी हुई है गला काफ़ी इसका छोटा सा है देन इस तरह की थ्री फोर स्लीव्स हैं यहाँ पे भी गोटे की डिटेलिंग है नीचे भी आपको गोटा मिल जाता है फ्रंट एंड बैक में आगे पीछे से दोनों तरफ से इस तरह की ये पॉल का डॉट्स बनी हुई हैं इसके साथ ये प्लाजो है वाइड लेग प्लाजो लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी फ्लोर लेंथ है मेरे ये एंड यहाँ पर भी आपको ये गोटा मिल जाता है एंड दोनों तरफ से ये इलास्टिक है और इसके अंदर एक तरफ पॉकेट भी है और इसके साथ ये दुपट्टा आता है दुपट्टा तो मैं आपके साथ बहुत बार ऑलरेडी ना स्टाइल कर चुकी हूँ वीडियोज़ में तो आपने देखा ही होगा बहुत ही सुंदर है चारों तरफ इस पर गोटा लगा हुआ है और साथ में ये ना ऐसे गोटे के फूल भी चारों तरफ नहीं दो तरफ लंबाई में एंड देन ये गोटा फूल लगा हुआ है सो so ये दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है सो so, ये मैंने एक और कुर्ता सेट के साथ भी इवन दो और कुर्ता सेट के साथ आपको स्टाइल करके दिखाएगी कि कितने इजीली ये वाला दुपट्टा मैच हो जाता है सो so ये था फर्स्ट कुर्ता सेट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे बिल्कुल सिंपल सोबर सा है बट कलर अच्छा है पैटर्न अच्छा है और गोटे बूटे की डिटेलिंग हो गई उससे थोड़ा फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाया हुआ है उसके बाद जो सेकेंड है ये डेली वेयर का कुर्ता है आप ऑफिस वगैरह में भी, भी डाल सकते हैं इवन आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं मार्केट वगैरह तो डाल लो इसे बहुत सुंदर लगेगा जीन्स के साथ डालो लेगिंग के साथ प्लाजो के साथ मरून ऑफ वाइट कोई भी प्लाजो चल जाएगा सेम मटीरियल है इसके रेयन मटेरियल एंड कलर बहुत सुंदर है साथ में पूरा ये थ्रेड वर्क आपको मिलता है काफ़ी सुंदर सा सफ़ाई के साथ फ्रंट में थ्रेड वर्क हो रहा है बोट नेक है स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता है सो so, ये अच्छा है आप मैंने जैसे बताया आप कॉलेज में ऑफिस में कहीं पे भी डाल सकते हैं एंड स्टाइल बड़ा कैजुअल सा है और सॉफ्ट कंफर्टेबल और टिकाऊ टाइप का है सस्टेनेबल <laughs> है क्योंकि है ना प्रिंट प्रिंट नहीं है तो धो लो कैसे भी खराब नहीं होगा इसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना ये मैंने छोटी दिवाली पर डाला था व्लॉग में आपने देखा था और काफ़ी लोग पूछ रहे थे so, तो ये ऑरेंज का ही है ये चारों सारे जो चारों पीस हैं ये ऑरेंज के ही हैं सो so इसके अंदर ये है कुर्ता बेज कलर के अंदर है बहुत सुंदर कुर्ता है एक तो बहुत लंबा है एंड फ्लेयर वाला है ये पूरा और इसके लेंथ के ऊपर पूरा गोटा लगा हुआ है यू कैन सी स्लीव्स पे आपको गोटा मिल जाता है अदरवाइज़ ये पूरा प्लेन है इसके अंदर पॉकेट भी है और इसका जो फ़िट है वो बहुत अच्छा आता है मैंने जो सारे आउटफिट लिए ना स्मॉल साइज के अंदर लिए हैं सो यू कैन सी की फिटिंग कैसी आ रही है सो so, ये भी सारे के सारे जो भी मटेरियल है ना वो आ, वही है ऑन सॉफ़्ट जो मटेरियल होता है ना वैसा और ये तो बहुत ही लंबा है इसको मैं ऐसा चकेले डालूँ तो भी चल जाए बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लेंथ पे बट इसके साथ आता है ये वाइड लेग प्लाजो सो so, जैसा मरून वाला प्लाजो था सेम वैसा ही है नीचे ये लेस वगैरह लगे आई थिंक ये थोड़ा सा और वाइड लग रहा है मुझे पॉकेट मिल जाएगी दोनों तरफ से इलास्टिकेटेड है एंड इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे है ना एंड इन्होंने क्या किया है नीचे ये रफल्स लगाई हुई हैं डिफरेंट कलर की एंड डिज़ाइन की और बीच में ये मरून कलर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चोरी सी लेस लगी हुई है जिसपे फॉइल प्रिंट हो रखा है एंड पूरे पे ये गोटा वगैरह लगा हुआ है विथ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है यू कैन सी इतना है कम्फर्टेबल रहता है इतना लंबा काफी अच्छा है एंड ये कुर्ता सेट ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है लाइक यू कैन सी कि बिल्कुल प्लेन गोल्डन पैन वो है आपका कुर्ता सेट है तो किसी भी डिफरेंट कलर के दुपट्टे के साथ उसे पेयर कर लो और अलग ही लुक आ जाएगा एंड यू कैन सी ये मरून वाला जो है ये दुपट्टा भी मैंने इसके साथ पेयर करके दिखाया कितना अच्छा लग रहा है सो so, डेफिनेटली आप लोगों को पहले भी मैंने देखा कि आपको बहुत अच्छा लगा था काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये कहाँ से लिया है तो इसको तो आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप देख लेना एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑर्डर इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो है ये है एक ड्रेस है ये ठीक है लेकिन मैंने इसे एज ए यू नो अनारकली सूट आप लगा लो उसकी तरह स्टाइल करके दिखाया इसे भी मैं पहले पहन चुकी हूँ मैंने मीशो की एक वीडियो डाली थी ज्वेलरी वगैरह जो एक्सेसरीज़ वगैरह की थी ठीक है तो उसके अंदर मैंने स्टाइल किया था उसमें भी आप लोग पूछ रहे थे सो हेयर इट इज़ यहाँ पर देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे कलर है ऊपर ब्लैक है देन ये एम्पायर लाइन के ऊपर एक ये आपको फॉयल प्रिंट से ये पैच मिल जाता है देन टीयर्स में है तीनों टीयर्स के अलग अलग कलर है नीचे जाके बहुत ही फ्लेयर हो जाता है इसका ठीक है स्लीव्स आप देख सकते हैं थ्री फोर्थ है और यहाँ पर भी ये पैच वर्क बना हुआ है जिसपे फॉयल प्रिंट है तो ये बड़ा ना स्टाइलिश और बंजारन वाला लुक देता है इसको मैंने कैसे स्टाइल किया है ये जो नीचे वाला है ना इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मैंने इसे मरून कलर के जो पहले वाला जो मैंने कुर्ता सेट दिखाया था ना ये वाला इसका मरून प्लाजो इसके साथ पेयर कर लिया और मरूनी दुपट्टा ले लिया इनफैक्ट आप ब्लैक कलर का दुपट्टा ले सकते हो कि ऊपर ब्लैक हो जाएगा नीचे पूरा मरून हो जाएगा बीच में ये दो टायर अलग हो गए तो बड़ा कलरफुल सा आउटफिट है बहुत ही डिफरेंट यूनिक सा तो अच्छा लगेगा अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे भी आप लोग क्रिएट करना चाहें एज अ ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं इसको और कलर है, ये जैसे है ना इसकी जगह आपको वाइट मिल जाएगा और ये तीनों का रेस्ट ऑफ द कलर्स हैं वो सेम ही होंगे आई थिंक तो इस तरह का भी एक था तो मुझे लगा वाइट में तो मेरे पास ऑलरेडी तो ये वाला मैं ट्राई करती हूँ सो ये थे कुर्ता सेट मेकअप एंड मेकअप ब्रशेस कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय